तो भाई देख रहे हो, सारा सामान जो है अपना लगेज ऑलरेडी नीचे चला गया। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि सिर्फ 10 मिनट बाद अपन अपनी नेक्स्ट राइड पे निकल जाएंगे, जो कि विंटर स्पीति। मजा आने वाला है, बर्फ गिर रही है वहां पे काजा में, और फुल एंजॉय करवाएंगे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई अपनी नई राइड से पहले मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको दो चीजें बताते हैं। पहला तो अपने एक नया गैजेट जो हमने इंस्टॉल किया है अपने बाइक में, हेलमेट कैमरा नया वाला, और दूसरा कि जो हमारी पिछली राइड में एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं और साथी जब गए थे, बहुत सारे लोग कंटिन्यूस ना पूछ रहे हैं कि आप उसमें डिटेल दो कैसे एक्सीडेंट हो गया और ना मेरे को हेल्प होगी और क्या क्या डैमेज हुआ, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया। तो वो वीडियो ये है और इसमें अभी अपन आ गया, साथी से मिलेंगे, उसकी बाइक के बारे में बताएंगे, एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे डिटेल में, क्योंकि उस टाइम में हमने ज्यादा बताया नहीं था, काफी कुछ डैमेज हुआ था उसकी बाइक में भी, तो वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक अपन विंटर स्पीति के बढ़िया बढ़िया फोटोज और वीडियो डाल रहे होंगे इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ा सा लेट आते हैं, तो ये आपको डिस्प्ले में मेरी आईडी दिख रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही है, जरूर जरूर फॉलो कर लो यार, बढ़िया जरा फॉलोअर बढ़वा दो यार इंस्टाग्राम पे भी, है ना। आज आपको हमारे फुटेज में कुछ चेंज फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाइक थोड़ा एंगल थोड़ा ज्यादा वाइड हो गया है और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आज अपन यूज कर रहे हैं अपना DJI एक्शन ऑस्मो 4 कैमरा जो है ना, और ये अपने को DJI से मिला था और विंडशील्ड थोड़ा गंदा है तो उसके लिए माफी, इसको हाथ से नहीं साफ करते नहीं तो स्क्रैच आ जाएंगे भाई। अरे हटो भैया, निकलने दो। तो इस कैमरे को आज मैंने पहली बार अपनी बाइक पे इंस्टॉल किया है एंड भाई काफी ज्यादा वाइड है कंपेयर टू GoPro, ये तो मानना पड़ेगा। तो पूरा बाइक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ज्यादा व्यू आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इस कैमरे का व्यू आपको कैसा लग रहा है DJI वाले का। बाइक बिल्कुल सर्विस हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। DJI के प्रोडक्ट्स मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी किए नहीं, तो एक चीज से पता चल गई, इसका वाइड एंगल GoPro से ज्यादा वाइड है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान कुछ बनाओ और होता कुछ है। भाई साहब इतना बुरा लग रहा है ना कि अपन लद्दाख नहीं जा पाए, और सच में यार वहाँ रोड्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। बढ़िया सिंकुला वाला रोड खुल गया था, अचानक से भाई साहब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, एवलॉन्च आ गए, सिसु वाला रोड बंद हो गया, फिर धीरे से आगे जंस्कार वाला रोड बंद हो गया, जोजीला वाला रोड में स्नोफॉल हो गया। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई भगवान चाह नहीं रहे अभी लद्दाख ले जाना, कोई कह रहा बेटा स्पीति हो गया ठीक है लद्दाख बाद में जाना। अच्छी बात है, वहाँ जाके परेशान होते, उससे बेटर है कि अपन को समय रहते पता चल गया। सर जी कैसे हैं, बाइक की नहाई नहाई है। नया कैमरा दिख रहा है आपको? फुल एक्शन में चलेंगे इस बार। भैया देखो 10 बज गया, लगी भूख बहुत तेज, मुझे भी लगी है। इसको धुलाते हैं और खाते हैं चल के, ठीक है। हेलो भाई, जीजान भाई की हिमालयन अभी नहाई नहाई करने वाली है, क्या बात है। ये देखो जीशान भाई की बाइक हो गई बिल्कुल, इतना ज्यादा साफ हो गई, ऐसा लग रहा है शोरूम से डिलीवरी के लिए निकलने वाली है, भयंकर चमक रही है। और अब इसमें एक और फाइनल मॉडिफिकेशन कराना है, और वो है कि इसका जो डिस्प्ले है उसका प्रोटेक्टर मंगाया है जीशान भाई ने, ये देखिए सीडी जैसा दिख रहा है ना, सीडी फ्लॉपी डिस्क है, तो इसको अभी अपन ऐसे लगवाएंगे और उसके बाद इसका डिस्प्ले भी है, क्योंकि पहाड़ों में ना यार साफ ऑफ करो ना तो कपड़े में होती है डर्ट डस्ट, तो उससे फिर स्क्रैच लग जाते हैं डिस्प्ले में। तो कहीं भी आप बड़ी राइड पे जा रहे हो तो उससे पहले अगर अवेलेबल है तो ये प्रोटेक्टर जरूर लगवाओ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये दो नंबर है, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ। चलो भाई जीशान भाई की बाइक का सारा काम हो गया, आप चल के नाश्ता करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। एंड अभी अभी मैंने एक चीज़ ध्यान दी है कि हमारे जो DJI में जो आवाज़ है वो थोड़ा अभी कम क्लियर आ रही है, तो इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट कोई ना जल्दी काम करेंगे इस पर। टेस्टिंग में ये तो होता ही है, पहली बार इसीलिए टेस्टिंग गुड़गांव में कर रहे हैं ताकि पता चलता रहे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। लो भाई फाइनली अब अपन फिर से निकल लिए, विंडशील्ड अपन ने साफ कर ली, उसकी आवाज़ यार अभी तक मैं समझ नहीं पाया कैसे सही होगी। और अभी स्वाति आने वाली है, तो स्वाति के साथ मिलकर आपको बताते हैं जरा एक्सीडेंट का डिटेल देते हैं और बताते हैं कि स्वाति की बाइक में कितना खर्चा हुआ, मेरी बाइक में तो जो हो गया वो आपको बताएंगे, है ना। ये लो जी बाइक अपनी लग गई स्टैंड पे,
क्या बेहतरीन लग रहे हैं बबलू भैया, नई चेन, एवरीथिंग इज न्यू, रेडी फॉर स्पीति। ईशान भाई की बाइक भी बिल्कुल रेडी हो गई। तो भाई ये अपने बबलू भैया और ये स्वाति आ गई, और ये आ गई स्वाति की बाइक। इस पे आज ज्यादा डिस्कशन करेंगे। इसमें तो मैं बता ही चुका हूँ कि क्या क्या डैमेज हुआ उस दिन एक्सीडेंट में, तो आज आपको रियल पिक्चर बताते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। तो स्वाति को तो ज्यादा पता नहीं, स्वाति को तो टक्कर लगी थी, मैं बता सकता हूँ। तो बाइक अभी आधे से ज्यादा ठीक हो गई है। एक दो चीजें हैं जो अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ये ऊपर वाला क्रैश गार्ड और ये जो पत्ती है ना, ये टेढ़ी हो गई, तो ये दो पार्ट अभी रह गए हैं और बाकी सब तो चेंज हो गया काइंड ऑफ। तो सीन तो आपको बता ही दिया था कि मेरे आगे स्वाति थी, स्वाति के आगे एक गाड़ी थी और गाड़ी के आगे एक कैटल आ गया, गाय या भैंस कुछ आ गई थी, देख नहीं पाए हम। तो इमीडिएट सबने ब्रेकिंग कर ली, बस मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर था। तो मैंने स्वाति की बाइक पे काफी तेज टक्कर मारी अराउंड 60 की स्पीड में, क्योंकि जब बाद में मैंने अपनी बाइक ऑन करी तो मेरी बाइक फिफ्थ गियर में थी उस टाइम पे। तो फिफ्थ गियर में थी मतलब 50-60 से कम मेरी स्पीड नहीं होगी, और उतनी तेजी में मैंने टक्कर मार दी। तो मैंने स्वाति को इतनी तेज टक्कर मारी कि ये बाइक जो थी स्वाति की, मैं टक्कर मार के खड़ा हो गया, मतलब मेरी बाइक टक्कर मार के रुक गई उसी जगह पे, मेरा बस विंडशील्ड टूट गया, मेरे को थोड़ा सा झटका लगा। स्वाति जो है, स्वाति कैन बेटर एक्सप्लेन। मैं बिल्कुल रुक गई थी, आपका पूरा मोमेंटम मेरे में आ गया। इवन और ज्यादा बेटर पता है कैसे समझ में आएगा, मैंने जो राइडिंग पैंट पहन रखी थी ना, उसमें ये जहाँ पे वो आई होती है जिसमें बेल्ट लगती है, वो एक आई होती है। जब मैंने बाद में देखा एक्सीडेंट के बाद, मेरे गिरने गुरने के बाद, वो भी अपनी जगह से निकल गया था। अब वो इम्पैक्ट इतना तेज था कि मैं बैठी हूँ, मेरी अपर बॉडी इतने मोमेंटम के साथ आगे गई है कि वो मेरा वही फट गया, आई राइडिंग पैंट की निकल गई पूरी। मैं पीछे से देख पा रहा था, मैंने टक्कर मारी, स्वाति अपनी बाइक से आगे गई। कोई भी यार 60 की स्पीड में टक्कर लगती है तो बहुत तेज होती है। स्वाति रुक गई थी, अपनी बाइक से आगे गई, पहले तो उस फॉर्च्यूनर में आई थिंक तुम टकरा गए थे ना, बाइक टकराई थी, तो बाइक स्वाति की जाके उस फॉर्च्यूनर में टकराई, और स्वाति पूरा बाइक से साइड में जाके उछल के बिल्कुल साइड में, मतलब पहाड़ों में ना रोड के बगल में थोड़ा सा गड्ढा सा होता है, एक लेन सी होती है नाली टाइप की, वहाँ जाके साइड में मिट्टी में स्वाति गिरी। इतना तेज झटका था, मैं तो डर गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फिर मैं भाग के गया, मैंने देखा कुछ हुआ तो नहीं, मतलब मैं बाइक के हैंडल के ऊपर से घूम के आई थी। हाँ, स्वाति रोल होता हुआ गई, मतलब अपनी बाइक के हैंडल के ऊपर से निकल गई, सोचो आप कितना तेज धक्का लगा होगा। अब देखो ये चांस की बात होती है, उस समय मेरा कैमरा बंद था, और फिर बाद में यार मैंने ऑन भी नहीं किया, मतलब एक्सीडेंट के बाद कौन कैमरा ऑन करता है, अगर रह जाता ऑन तो शायद कुछ रिकॉर्ड हो जाता, फिर तो हम लोग इतना पैनिक हो गए कि मेरे को लगा बहुत ज्यादा, मतलब किस्मत अच्छी थी स्वाति तुम्हारी, ये तो मानना पड़ेगा। मैं मम्मी से नजर उतरवा के आई थी राइड पे, सच में इस बार दो बार उतरवाना है ना। लगी नहीं स्वाति को चोट, अदरवाइज जितना तेज इंपैक्ट था और जितनी स्पीड से ये गिरी थी जाके रोड पे, तो राइडिंग गियर्स ने बहुत हेल्प करी, तो आप लोग भी हमेशा पहनो। स्वाति ने फुल राइडिंग गियर्स पहन रखे थे हेड टू टो, तो काइंड ऑफ उन्होंने इम्पैक्ट को बचा लिया। साइड में जब मैं गया, मैंने देखा तो स्वाति ने थम्स अप दिया, स्वाति का पहला साइन ये था कि आई एम फाइन। जब मैं गिरी ना तो एकदम से आप भी आ गए, वो फॉर्च्यूनर में जो 3-4 लड़के थे वो भी आ गए। अब गिरे हुए बंदे को तो यही होता है ना कि एकदम से मत आओ, जनरली तो यही होता है कि कोई भी गिर जाए तो उसके पास जाना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सांस दो, मतलब स्पेस दो ताकि वो सांस ले पाए। तो मुझे यही था कि अभी मत आओ, कोई आई एम फाइन, थोड़ा दूर रहो। मेरे को ये लग रहा था कि कहीं चोट तो ना लगी हुई हो, तो पैनिक वाला थोड़ा सिचुएशन होता है ना, बट समहाउ वो अपने आप ही खड़ी हो गई, और वो सामने ही एक ढाबा था तो वहाँ ढाबे पे गए फिर हम लोग, और ढाबे पे जाके बैठाया इसको, तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुआ, फिर हल्का फुल्का तो देखो जब कोई गिरता है बंदा तो चोट तो लगती है, तो थोड़ा बहुत तो उसको भी बैक में झटका आया था, खुद ही ट्रीट कर लिया, और मेजर कुछ ऐसा मतलब बहुत ज्यादा चोट नहीं लगा स्वाति को, थोड़े दिन बैक पे दर्द रहा था जो उसने बताया, तो इतना तो मतलब मैं ये कहूँगा जिस स्पीड से गिरी थी ना, मेरे को तो लगा था भाई एक आध हड्डी गई इसकी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बच गई। तो वहाँ पे स्वाति रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया स्वाति ने, बाइक ने तो जो दिया नहीं दिया। अब आपको बताते हैं बाइक में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंटिन्यूस पूछ रहे थे कि आप लोग बताओ कैसे क्या हो गया, क्या नहीं करना है, और एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो क्या करना है। वो कर तो आप कुछ सकते नहीं हो गया तो हो गया, और उसके बाद बस यही है कि चिल रहो यार, जितना जल्दी पहले बंदे देखो सब सही है कि नहीं, उसके बाद बाकी चीज़ें। बाइक में स्वाति के बहुत ज़्यादा डैमेज आया था, हमने बताया नहीं उस टाइम पे। पहला तो स्वाति का टॉप बॉक्स जो है, मैंने अपनी बाइक सीधा उसी में टक्कर मारी तो वो टूट गया, और ऐसा टूटा कि आई थिंक दो पीस टाइप का हो गया। टॉप बॉक्स में टक्कर नहीं लगी थी, टक्कर लगी थी यहाँ पे, ठीक है, टक्कर इस पे लगी थी, ओके। जब बाइक आगे गई ना तो टॉप बॉक्स फॉर्च्यूनर में टकराया, अच्छा टॉप बॉक्स यहाँ से खुला, पीछे से उसको कुछ नहीं हुआ।
तो साइड से तुम जाके फॉर्च्यूनर से टकराए तो टॉप बॉक्स टकरा गया तुम्हारा। फॉर्च्यूनर से ये वाली साइड टकराई थी बाइक की, ठीक है। ओके, आगे से देखो क्या क्या डैमेज हुआ। सबसे पहले तो क्रैश कार्ड मुड़ा था, पूरा मुड़ गया अंदर, इतना मुड़ा कि उसने इस क्लच को ऐसे दबा दिया, पूरा क्लच को दबा दिया। और आई थिंक ये डेंट एक आपको दिख रहा है, ये डेंट भी उस वाले क्रैश गार्ड ने ही मार दिया, हालांकि अभी चेंज करा लिया क्रैश गार्ड पर। इस पे भी इतना इंपैक्ट आया था गाड़ी का कि ये पूरा टेढ़ा हो गया था। यहाँ पे भी बहुत स्क्रैचेस आए थे, अभी तो मैंने स्प्रे पेंट करवा रखा है इस पे। ये अच्छा, स्प्रे लगवा लिया, पेंट लगवा लिया, तो ये बेंड हो गया है पूरा, अभी भी टेढ़ा है, हमने ऑर्डर लगा रखा है बट अभी आया नहीं है आरी से। तो इसके साथ साथ ये पूरा इसका हेडलाइट भी टेढ़ी हो रखी है। इसका जो ये फेस है ना, अभी भी अगर आप ध्यान दोगे, और ये विंडशील्ड के यहाँ पे देखो कितना गैप है, इधर गैप नहीं है, इधर गैप कम है, इधर गैप ज्यादा है। तो ये ना जो प्लेट है ना पीछे, वो पूरी टेढ़ी हो रखी है एक साइड को, तो वो जब अब रिप्लेस होगी तब वो सीधा होगा, तब पूरा एंगल जो है सीधा आएगा। फिर जो ये बीक थी इस पे भी इधर स्क्रैचेस आए थे, पूरा पीपीएफ जहाँ ये टेप लग रखा है, टेप जहाँ लग रहा है समझ लो वहाँ कुछ हुआ है, पीपीएफ छिलके पूरा इसका मटेरियल ही छिल गया, तो फिर ये येलो टेपिंग इधर कराया तो इस पे काफी स्क्रैच आ गया, बट ये टूटा नहीं था, स्क्रैच आ गया, पीपीएफ पूरी निकल गई, खराब हो गई साइड से और स्क्रैच आ गया इस पे। फिर बाइक फॉर्च्यूनर में टकरा के इधर को गिरी, ठीक है, उधर फिर लेफ्ट में गिरी, फिर इधर गिरी, डबल इम्पैक्ट आया। फिर उधर गिरी तो इसके इंडिकेटर पे इतने सारे निशान आ गए इधर, ठीक है। यहाँ पे भी पूरे स्क्रैचेस आए थे, वो बस स्प्रे पेंट लगवाया हुआ है तो दिख नहीं रहे हैं। और ये लाइट्स भी तुम्हारी पूरी दब गई थी ना, लाइट्स एक इधर चली गई थी एक उधर चली गई थी, तो ये डैमेज हुआ था। मिरर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, मिरर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, ये हैंड गार्ड उतर गए थे, हैंड गार्ड ये तो टूट ही गया था। हाँ, उस साइड इसका ये वाला जो ये था ना, ये नट टूट गया था ना, ये बोल्ट, हाँ ये बोल्ट टूट गया था, तो ये वाला हैंड गार्ड तो अलग ही हो गया था, ये वाला आई थिंक ढीला हो गया था। उस मोमेंट पे जो हम मतलब व्लॉग बना रहे थे ना, तो मैंने उस टाइम पे अपने व्लॉग में ये बोला था कि इधर उधर टकरा के थोड़ा ढीला हो गया, तो हम उसको निकाल रहे हैं, और अब एक ढीला हो गया तो दूसरा निकाल रहा है। बट एक्चुअली में वो टूट गया था, है ना, तो ये भी टूट गया था। उस टाइम में ना मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के मूड में थी, इंसान ना बहुत सारी स्टेजेस से गुजर रहा होता है जब उसके साथ मिस हैपनिंग होती है। एक्चुअली ये बात सही है, उस टाइम चाहते तो हम लोग बता सकते थे, बट हम लोग इतना परेशान हो गए ना कि हमने सोचा व्लॉगिंग तो बाढ़ में गई, बाद में देखेंगे, पहले सब हम लोग ठीक हो जाएं, मैनेज हो जाएं, उसके बाद काम करेंगे। उसके अलावा स्वाति का जो ये विंडशील्ड है, ये पूरा स्क्रैच खा गया है, और इधर से भी अगर आप देखोगे तो ये देखो पूरे स्क्रैच लगे हैं, ये स्क्रैच लगे हैं, सारा मतलब नया ही था, बिल्कुल नया लगवा के गई थी और पूरा टूट गया, तो ये भी ऑर्डर कर दिया है हमने, दूसरा लगा दिया। और इतना सारा डैमेज हुआ था, टैंक में भी एक दो छोटे मोटे स्क्रैच आ गए थे, हैंडल बार ये तो बताना ही भूल गया यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो तो मेन चीज है। मैंने पहले भी बताया कि हिमालयन का जो 452 हैंडल है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यहाँ तो खैर झटका भी बहुत तेज था, तो इम्पैक्ट तेज था, ये पूरा हैंडल बार इधर आ गया था, यहाँ से यहाँ आ गया था, मतलब इतना एंगल, और ये वाला पूरा ऐसे दब गया था, तो पूरा जो है हैंडल बार ऐसा टेढ़ा हो गया बुरी तरीके से। और फिर उसके बाद आई थिंक 500 किलोमीटर स्वाति को टेढ़े हैंडल बार में पूरा वहाँ हिमाचल बॉर्डर से, हमने पता भी किया था जलंधर में कि मिल जाए, बट आरी में ये थोड़ा सा इशू है कि स्पेयर पार्ट इजीली नहीं मिलते, तो वहाँ कहीं था नहीं किसी शोरूम में, तो अभी स्वाति ने इसको मॉडिफाई करवाया है और अब 411 वाला हैंडल बार लगवाया है, जैसा जीशान भाई ने लगवाया, ये काफी 450 वाला ना थोड़ा फ्रेजाइल है, जैसे इसमें ये वाला जो ब्रैकेट लगाया ना इसकी वजह से कहीं भी गिरा लो नहीं मुड़ेगा। अच्छा, ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएगा। और 450 में ये नहीं था, तो इसकी वजह से हल्की सी भी गिरती ना, यहाँ से बेस से हिल जाता है, बेस से ऊपर चला जाता है। अब हम लोगों ने इसलिए नहीं उस टाइम खोला, हमें लगा कि ऐसा ना हो उसको ढीला मतलब अपनी जगह पे लाने के चक्कर में कहीं टूट टाट ना जाए, तो हैंडल ही ना बचे, आएंगे कैसे। और उसके अलावा ये जो ब्रैकेट स्वाति बता रही है, इसकी वजह से ये बहुत ही स्टडी है, मतलब हल्का फुल्का इम्पैक्ट आएगा तो इसमें कुछ होगा नहीं, अब ज्यादा गिरोगे तो फिर तो डिपेंड करता है कि कितना तेज एक्सीडेंट हुआ। तो ये सबसे मेजर चीज थी जिसने परेशान किया, मतलब राइड के बाद भी, तो हमें क्लच ठीक कराना पड़ा, और ये जो इससे पहले जो क्रैश गार्ड लगा था ना, इतना हार्ड था वो कि क्लच इसको ऊपर करने में ना हालत खराब हो गई थी पूरी। इवन हमने वहां पे लोकल से रोड भी मांगी, हाँ, एक ट्रक वाले भैया से हमने रॉड मांगी सीधा करने के लिए, और हुआ ये कि रॉड तो मिली नहीं, मतलब रॉड मिली और हमने उससे सीधा किया, ये तो सीधा हुआ नहीं, उसकी रॉड मुड़ गई भाई की, तो वो भी बेचारा बोलने लगा। तो कुल मिला के ये स्टोरी थी, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितना डैमेज हुआ, मॉनेटरी वैल्यू अगर डैमेज की बताएं तो अभी तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली ये और ये पार्ट कितने में आएगा, बट आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये का तो हो गई यार ये मिला के, ज्यादा ही होगा, 5,000 अगर हम इसका मान लेते हैं, इस फ्रेम का ज्यादा ही होगा वैसे 5,000 से, ये बहुत बड़ा है, हाँ दो साइड का है इधर भी उधर भी, तो जो भी रेट हो इसका हमें एग्जैक्टली अभी प्राइस पता नहीं है, तो ये दो चीजें बदलेंगी।
उसके अलावा ये आई थिंक 5600 रुपीज का है मोटोटॉक का क्रैस गार्ड है ना। जो टॉप बॉक्स गया वो भी आई थिंक 7-8 हजार का था, 6400 रुपीज का था। ये सब काम हैंडल बार चेंज कराना पड़ा आई थिंक 2001 रुपए, कुछ 2000 से तो कम नहीं होगा ये भी। तो कुल मिला के जितना अपने बबलू भैया पे खर्चा हुआ उससे ज़्यादा खर्चा हिमालयन में हुआ, और उससे कहीं ज़्यादा डैमेज हिमालयन में हुआ। ये विंडशील्ड भी नहीं मंगाई है, ये 3000 रुपए की आई थिंक ना, 3000 रुपए की विंडशील्ड नहीं आई, ये पूरे फिर से फिट कराने पड़े, लाइट्स एडजस्ट करानी पड़ी, ये तो खैर नई लाइट लगवानी है स्वाति ने, और टॉप बॉक्स हमने ऑर्डर पे लगा रखा, पता नहीं कब आएगा। कुल मिला के आई थिंक कितना, ये मैंने रीरैप करवाया है, इनकी रैपिंग भी तो फट गई। हाँ, इसकी इसमें ना स्वाति ने रैपिंग करवा रखी थी ब्लैक एंड येलो, मतलब बाइक के कलर से मैच कराने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि टेढ़े हैंडल के साथ चलाने का एक्सपीरियंस ना मुझे बहुत पहले से है। मैं जिप भी गई थी ना, तो भी थोड़ा सा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि खड़े खड़े मतलब लाइक मेरी फ्रेंड का भाई चला रहा था, तो ऐसा ही सरफेस था जो ऐसा फुटपाथ पे होती है ऐसी ब्रिक्स, तो उस पर गिर गई थी, खड़े खड़े गिरी थी, इसका हैंडल तब भी मुड़ा था। तो तब मैं पंजाब से दिल्ली तक टेढ़े हैंडल के साथ चला के लाई थी, तो मुझे एक्सपीरियंस था। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि स्वाति ने टेढ़े हैंडल में ज्यादा बाइक चलाई है कंपेयर टू सीधे हैंडल। पहले जीबी में एक बंदे ने बाइक गिरा दी थी, आई थिंक कोई फ्रेंड था, और यहाँ मैंने टक्कर मार दी तो फिर हैंडल टेढ़ा हो गया। बट दिस टाइम तुम पूरा राइड सीधे हैंडल से करोगे, और हमने डिसाइड किया कि मैं स्वाति से आगे रहूं। स्वाति सबसे पीछे रहेगी ताकि कोई भी ग्रुप वाला स्वाति को टक्कर ना मारे पीछे। बट एनी वेज अच्छी चीज़ ये हुई कि स्वाति को चोट नहीं लगी, और बाइक्स भी ऐसा डैमेज हुई कि देखो ठीक हो गई है, बाकी जो एक दो चीज़ें रह गई ठीक हो जाएंगी। बाइक्स का डैमेज देखो मैटर नहीं करता, ठीक है बाइक तो राइडिंग गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने बाइक खरीदी, उसके बाद मैंने पैसे बचाए थे कि उन पैसों से मैं राइडिंग गियर्स खरीदूंगी, उसके बाद मैंने जो भी एक्सवाइजेड सामान लिया ना वो राइडिंग गियर्स के बाद लिया है। वेरी तो बढ़िया बात है, ये चीज़ आप लोग भी ध्यान से सुनो भाई, राइडिंग गियर्स आर मस्ट। आप बाइक चाहे भले सस्ती ले लो और अच्छी क्वालिटी के राइडिंग गियर्स, मैं तो रिकमेंड करूंगा राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, जैसे स्वाति ने पैंट भी पहन रखा था। बाकी नाउ वी आर अगेन रेडी विद फुल पेस एंड फुल जोश, अपनी बाइक भी रेडी है, स्वाति की बाइक भी रेडी है, और बहुत ही जल्दी अपन निकलेंगे नेक्स्ट राइड में, जो की होगी स्पीति की, क्योंकि लद्दाख अभी बंद है। बट स्पीति भी भयंकर विंटर स्पीति हो रखा है, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है इनफैक्ट एक दो दिन से, तो आई होप अच्छे ब्लॉग्स आएंगे और अच्छे अच्छे मजे आएंगे। तो ये वीडियो था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, नेक्स्ट वीडियो अब स्पीति का दिखाएंगे आपको सीधा, और पहले दिन ही लंबा खींचेंगे एज यूजल, पहला दिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि देखो एक्सीडेंट के टाइम ना एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी बाइक पे चला रहे हो ना ध्यान हमेशा रोड पे रहना चाहिए, गलती तो किसी से भी हो जाती है, एक सेकेंड का फेयर था बस उस पर टक्कर हो गई, और राइडिंग गियर्स पूरे पहनो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, दोनों बाइक्स ठीक हैं, खर्चे तो जो हो गए वो छोड़ो कोई बात नहीं, दोनों राइडर्स भी ठीक हैं, दोनों मैं तो बिल्कुल ठीक था। मैंने टक्कर मारी और मैं आराम से खड़ा हो गया उसी जगह पे, मैंने आराम से पूरा सीन इंजॉय किया, स्वाति ये उछली वहाँ गिरी जाके उधर गई, मैंने पूरा देख लिया अच्छे से। तो होता रहता है। तो ठीक है फिर, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे सीधा स्थिति में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंजॉय।